जोश में ज्यादा जिम मारने की वजह से मैं तो टूट गया। और अब अपने आप को वापस से जुड़वाने के लिए हम थोड़े एक्सपेंसिव डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ से अपनी फिजियोथेरेपी कराने के बाद जैसे ही मैं रेस्ट करता हूँ हमारे घर पे रेड पड़ जाती है। और ये मुझसे कहता है कि तो अब हम भी डरे थोड़ी जिम करें। और हाथी भाई को युद्ध में हराने के बाद मैं इसको चूहे पकड़ने की जिम्मेदारी दे देता हूँ। और इसे पकड़ने के बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हमें मिलता है यो-यो गोरू, जिसका जिंदगी में एक ही मकसद है पतंग उड़ाना। इसके लिए पतंग लेने के लिए हम बाजार जा ही रहे थे कि हमें कुछ सब्सक्राइबर टकरा जाते हैं। और मैं बाजार पहुंचकर देखता हूं कि मेरे सामने एक पेड़ को फांसी की सजा दे दी। खैर अब यहां पर पतंग तो नहीं मिली, बट जैसे ही कोल्ड कॉफी पीकर मैं घर पहुंचता हूं यहां तो सभी यो-यो रैपर बने घूम रहे हैं, क्योंकि आई फ्लू फैल रहा है। अपना घर में रहो, सुरक्षित रहो और आंखें मत मिलाओ किसी से। तो आंखें चुरा कर अपने टूटे हुए हाथ को लेकर हम पहुंच जाते हैं बड़े ही एक्सपेंसिव डॉक्टर की फीस भरने। इसको देते देते मेरी दोनों किडनियां बिक जाएंगी। और अब मिली हमारे घर के यो-यो रैपर से। मेरे को मत दिखाओ।